नमस्कार, समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृता चौरसिया। जीवन जीने के लिए जितना जरूरी पानी है उतनी ही हवा। बच्चा भी पैदा होने के बाद सबसे पहले जिस चीज के संपर्क में आता है वो हवा है। प्राणों की रक्षा के लिए वायु इतनी आवश्यक है कि अगर हवा यानी कि ये वायु ना हो तो चंद पलों में दम घुटने लगता है। लेकिन आज विडंबना ये है कि ये प्राण वायु ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी दुश्मन बनती जा रही है। प्रदूषण के रूप में हवा में जो जहर घुला है वो धीरे धीरे हमारे जीवन को तबाह कर रहा है, जिसकी परिणति मौत के रूप में हो रही है। हमारे आसपास की जहरीली हवा जिस तरह से हमारा दम घोट रही है वो एक दिन पूरी मानव जाति के लिए अस्तित्व का संकट खड़ा कर देगी। इसलिए समय रहते चेतना बेहद जरूरी हो गया है। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के जरिए दिल्ली सहित देश के 102 शहरों की हवा साफ होगी। सरकार की ये कोशिश है कि वायु प्रदूषण के मुख्य कारक पार्टिकुलेट मैटर PM2.5 और PM10 के स्तर में 20-30% की कमी लाई जाए। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का मकसद वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और साथ ही लोगों में बड़े पैमाने पर इस लेकर जागरूकता लाना है, ताकि जहरीली आबोहवा असल में प्राण वायु बन सके। विशेष में आज हम राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम और इसके तहत उठाए जा रहे कदमों के बारे में बात करेंगे। साथ ही ये जानेंगे कि भारत में वायु प्रदूषण का बच्चों और बुजुर्गों पर कितना बुरा असर होता है, दुनिया में वायु प्रदूषण का क्या असर है। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। देश के 102 शहरों की हवा अब साफ होगी और इसके लिए दिल्ली समेत 102 शहरों के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। इसके तहत वायु प्रदूषण के मुख्य कारक पार्टिकुलेट तत्व PM2.5 और PM10 के स्तर में 20-30% की कमी लाने की बात की जा रही है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का मकसद वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उससे कम करने के लिए बड़े पैमाने पर काम करना है। साथ ही पूरे देश में वायु की गुणवत्ता निगरानी को बेहतर बनाया जाएगा। इसके साथ ही वायु प्रदूषण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना भी इस कार्यक्रम का हिस्सा है। इसके तहत केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और अन्य हितधारकों को साथ लेकर सामूहिक प्रयास से प्रदूषण के सभी कारकों पर फोकस किया जाएगा। वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए लंबे वक्त से कई उपाय किए गए हैं। हालांकि इन उपायों के बावजूद भारत में वायु प्रदूषण की समस्या से निजात पाने में ठोस कामयाबी नहीं मिली है। अब केंद्र सरकार ने वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए इससे निपटने की एक देशव्यापी योजना बनाई है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 10 जनवरी को वायु प्रदूषण से निपटने के लिए नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम यानी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शुरुआत की। फिलहाल इस मुहिम के पहले चरण में दिल्ली सहित देश के 23 राज्यों के 102 सबसे प्रदूषित शहरों को शामिल किया गया है। ये वैसे शहर हैं जो 2011 से 2015 के दौरान सालाना PM2.5 और PM10 के मानक मापदंड पर खरे नहीं उतरे हैं। इसके तहत इन सभी शहरों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। इस कार्यक्रम की खास बात यह है कि प्रदूषण में कमी का ये आकलन 2017 में हवा की गुणवत्ता के आधार पर होगा। जितने भी पॉल्यूशन के कॉजेज हैं, अब मान लीजिए पॉल्यूशन का कॉज जो है कोई ट्रैफिक से है, तो ट्रैफिक से जुड़े हुए जितने भी विषय है वो सारे के सारे, कोई वो डस्ट से जुड़ा हुआ विषय तो डस्ट के मिटिगेशन के सारे कॉजेज हो गए, कोई कूड़े की बर्निंग से जुड़ा हुआ है तो कूड़े की बर्निंग से जुड़ा हुआ विषय जो है उसको कैसे हैंडल करना है, कोई पराली से जुड़ा हुआ विषय है तो फिर पराली के लिए कैसे नए नए फार्म इम्प्लीमेंट बनने, तो सारी चीज़ें हैं जितने भी प्रकार के कारण हो सकते हैं एयर पॉल्यूशन में कॉन्ट्रीब्यूट करने के, दे आर ऑल इंक्लूडेड। मुहिम के शुरुआती 5 सालों में यानी 2024 तक 102 शहरों में वायु प्रदूषण के मुख्य कारक पार्टिकुलेट तत्व PM2.5 और PM10 के स्तर में 20-30% की कमी लाई जाएगी। यानी 2024 तक इन शहरों में वायु प्रदूषण के स्तर को 20-30% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत 102 शहरों में वो 43 शहर भी शामिल हैं जो स्मार्ट सिटी परियोजना के हिस्सा हैं। इस कार्यक्रम के तहत महाराष्ट्र के मुंबई, नागपुर, नासिक समेत सबसे ज्यादा 17 शहर शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी समेत 15 शहर शामिल हैं। पंजाब के लुधियाना और जालंधर समेत 9 शहर, हिमाचल प्रदेश के 7, मध्य प्रदेश और ओडिशा के 6 शहर शामिल हैं। राजस्थान, आंध्र प्रदेश और असम के 5-5 शहर शामिल किए गए हैं, जबकि उत्तराखंड के काशीपुर और ऋषिकेश शहर को भी शामिल किया गया है। बिहार के 3 शहर पटना, गया और मुजफ्फरपुर को शामिल किया गया है। सर्वाधिक वायु प्रदूषण वाले 102 शहरों के साथ अन्य शहरों में भी इस कार्यक्रम के तहत हवा साफ बनाने की मुहिम जारी रहेगी। इन शहरों का चयन विश्व स्वास्थ्य संगठन और प्रदूषण के बढ़ते स्तर को लेकर जारी होने वाली रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। अगर 25-30% रिडक्शन होता है तो आपके सीवियर और पुअर, वेरी पुअर में बहुत फर्क आ जाएगा। दो आर कैलकुलेशंस, यू कैन नॉट से कि 25% ही हुआ तो हम सीवियर में ही रह जाए। दिस इज अ ओवरऑल प्रोग्राम, इट्स अ कंटिन्यूअस एफर्ट। और एयर क्लीनिंग जब शुरू होती है और एक्टिविटीज स्टार्ट होते हैं तो इसका मल्टीप्लाइंग इफेक्ट होता है एंड यू विल हैव अ मच बेटर ईयर। इसलिए और 25-30% मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये टफ टारगेट है और हम चाहते हैं उसको करना। इस देशव्यापी कार्यक्रम के तहत राज्यों को वित्तीय मदद मुहैया कराई जाएगी। अगले 2 सालों में राज्यों को 300 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। राज्यों से इस साल की वित्तीय मदद उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव मांगे गए हैं। सभी चयनित 102 शहरों की स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से अलग अलग कार्य योजना तैयार की गई है। केंद्र सरकार के स्तर पर पर्यावरण मंत्रालय की समिति और राज्य के स्तर पर मुख्य सचिव की अगुवाई वाली समिति शहरों की कार्य योजना को लागू करने की निगरानी करेगी। जिला स्तर पर जिलाधिकारी से लेकर राज्य और केंद्र के स्तर पर विभिन्न निकाय इनकी कार्य योजना के निष्पादन में तकनीकी और अन्य जरूरी सहयोग देंगे। इस कार्यक्रम के तहत वायु प्रदूषण नियंत्रण में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, आवास और शहरी विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और नीति आयोग के अलावा उद्योग जगत की भी सक्रिय भूमिका तय की गई है। स्थानीय निकाय और सामाजिक संगठनों के अलावा विभिन्न एजेंसियां भी मदद करेंगी। हर एक सिटी का एक अलग कारण हो सकता है। कोई सिटी हो सकता है कि उसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स बड़ा मेजर इशू हो सकता है। किसी सिटी में जो है वो डस्ट का हो सकता है, किसी सिटी में जो है ज़्यादा कूड़ा बर्निंग का प्रॉब्लम हो सकता है, कहीं पर खाली पराली बर्निंग बड़ा इशू हो सकता है। इसीलिए हर एक सिटी का सिटी स्पेसिफिक प्रोग्राम है, सिटी स्पेसिफिक एक्शन पॉइंट्स हैं उसके। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने इसे वायु प्रदूषण कम करने की दिशा में केंद्र सरकार की ओर से संचालित सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम बताया है। उनका मानना है कि विकास संबंधी सभी लक्ष्य प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण के साथ सामंजस्य के बिना अधूरे हैं। उन्होंने कहा कि भारत में शहरीकरण और शहरों की तरफ पलायन की गति में अगले कुछ दशकों में तेजी से इजाफे की संभावना है। ऐसे में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम भविष्य की चुनौती से निपटने में मददगार साबित होगा। वी नीड टू फोकस आवर अटेंशन टू द 100 सिटीज एंड क्लीन देम अप। And we need to really clean them up in a time-bound manner. And this will require a very innovative and sustainable approach. And this will require very hard-headed measures. This will also require us to get into new technological areas. This will also require us to get into sunrise industries. This must push for change. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत पहले चरण में मिड टर्म 5-ईयर एक्शन प्लान बनाया गया है। लंबे अवधि के लिए इसे बाद में अगले 20 से 25 सालों के लिए बढ़ाया जा सकता है। कार्यक्रम के तहत चुने गए शहरों में जिस तरह से वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा था उसके चलते लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। चुने गए सभी शहरों में निगरानी तंत्र को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है। अभी इनमें से सिर्फ 70 शहरों में ही वायु प्रदूषण को जांचने की व्यवस्था है। इनमें से कुछ शहरों में इसका आकलन मैनुअल तरीके से ही किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
पिछले कुछ सालों में जिस तरह से देश के बड़े शहरों के अलावा मध्यम और छोटे शहरों में भी वायु प्रदूषण बढ़ा है, वो एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है। बढ़ता वायु प्रदूषण अनेक तरह की जानलेवा बीमारियों की वजह बन रहा है। बच्चों और बूढ़ों पर तो इसका सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ रहा है, और यही वजह है कि सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम लॉन्च किया, जिसके लक्ष्य और उद्देश्य काफी व्यापक हैं और इसके तहत कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। भारत स्वच्छ पर्यावरण और प्रदूषण मुक्त हवा और पानी के लिए प्रतिबद्ध है। दरअसल यह हमारे संविधान में अनिवार्य है। सतत विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए देश में लंबे समय से पर्यावरण संरक्षण और वायु प्रदूषण से जुड़े लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अलग अलग कानून बनते और लागू होते रहे हैं। हालांकि इसमें अपेक्षित कामयाबी नहीं मिल पाई और वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता चला गया, जब लाखों लोगों की मौत का कारण बन चुका है। वायु प्रदूषण के चलते लगातार हो रही मौतों और बढ़ती गंभीर बीमारियों की वजह से राष्ट्रीय स्तर पर वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण की जरूरत महसूस की गई, और इसी का परिणाम है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, जिसका मकसद देश के शहरी और क्षेत्रीय दोनों स्तर पर वायु प्रदूषण के स्तर में कमी लाना और उसकी गुणवत्ता को बढ़ाना है। इसका मुख्य उद्देश्य तो ये है कि जो इंडिया में नोटिफाइड क्लीन एयर स्टैंडर्ड्स हैं, जो 2009 में नोटिफाई किए गए हैं, उन स्टैंडर्ड्स को मीट कर पाएं जो भी नॉन अटेनमेंट सिटीज है, तो ये मेजर ऑब्जेक्टिव है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कई पहल की है। इसके तहत वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क को मजबूत बनाना, ताकि पुराने आंकड़ों का विश्लेषण किया जा सके। इसके साथ ही मैनुअल और तकनीकी निगरानी के जरिए नेटवर्क को बढ़ाना शामिल है। इसके अलावा 100 से ज्यादा शहरों में वायु गुणवत्ता का प्रबंध करना, साथ ही शहरों में बढ़ रहे वायु प्रदूषण को वैज्ञानिक तरीके से नियंत्रित करना शामिल है। इनमें उन स्रोतों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनसे निपटने की ज्यादा आवश्यकता है। इसमें कार्य योजना बनाना और उसे लागू करना भी शामिल है। इसके अलावा इंडोर वायु प्रदूषण निगरानी और प्रबंधन भी किया जाएगा। इसके तहत किसी भी घर, संस्था या व्यवसाय के स्थानों के अंदर मौजूद हवा की भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं का विश्लेषण किया जाएगा। वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए एक राष्ट्रीय उत्सर्जन सूची बनाई जाएगी। दरअसल उत्सर्जन सूची वायुमंडल में प्रदूषित प्रदूषकों की मात्रा का लेखा जोखा होती है, जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में सभी स्रोतों से पैदा होते हैं। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स एक ऐसा टूल है जो इन अलग अलग पोल्यूटेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन को ब्रेक डाउन करते हैं, और ताकि फॉर दी ऑर्डिनरी पर्सन ऑन द स्ट्रीट्स, यू एंड मी, उसके लिए ये पता करना बहुत आसान हो जाए कि करंट एयर क्वालिटी क्या है, वो गुड है या फिर सेटिस्फैक्टरी है। तो ये जो कैटेगरीज है, ये कैटेगराइज करता है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के तहत 4 वायु प्रदूषक की पहचान की गई है। इनमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर यानी PM10 और फाइन पार्टिकुलेट मैटर यानी कि PM2.5 शामिल है। इन वायु प्रदूषकों की सभी स्थानों पर नियमित निगरानी की जाएगी। सो नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम जो है, ये एक नेशनल प्रोग्राम है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा शहरों में मॉनिटरिंग स्टेशन सेटअप किए जाते हैं, और उन शहरों का एयर क्वालिटी स्टेटस की का डेटा जनरेट किया जाता है। पहली बात यही है कि यही एक बड़ा स्टेप है हमारे देश में। नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ये डिक्टेट करते हैं कि किसी भी पोल्यूटेंट का, जैसे पार्टिकुलेट मैटर हो या फिर सल्फर डाइऑक्साइड हो या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड हो, ये सारे अलग अलग पोल्यूटेंट्स हैं, इसके कितने कॉन्सेंट्रेशन लेवल एक्सेप्टेबल हैं और कितना हम उससे एक्सीड कर रहे हैं। तो ये स्टैंडर्ड सेटिंग का एक टूल है जो नोटिफाई हो चुका है 2009 में, और इसी के स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे हम टारगेट सेट करते हैं कितना पोल्यूशन कम करना है। इस कार्यक्रम के तहत वायु प्रदूषण के क्षेत्र में सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चलाने और संचालन के लिए नेटवर्क का निर्माण भी किया जाएगा। इसके साथ ही वायु गुणवत्ता मानकों और उत्सर्जन मानकों की समय समय पर समीक्षा की जाएगी। आकाश पोपली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आकाश पोपली और लीना शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कुछ महीने पहले वायु प्रदूषण पर आई रिपोर्ट में
भारत के लिए चेतावनी दी गई है। सिर्फ 2016 में 5 साल से कम उम्र के 1 लाख से ज़्यादा बच्चों की मौत वायु प्रदूषण और उससे जुड़ी बीमारियों की वजह से हुई। तस्वीर इतनी भयावह है कि भारत जैसे देश में लगभग पूरी जनसंख्या प्रदूषित हवा में सांस लेने को मजबूर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की हाल ही में वायु प्रदूषण पर आई रिपोर्ट चौंकाने और जगाने वाली है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वायु प्रदूषण और बाल स्वास्थ्य नाम से जारी रिपोर्ट में भारत जैसे विकासशील देशों की तस्वीर अच्छी नहीं है। इसमें ये दिखाया गया है कि बच्चे किस तरह से जहरीली हवा की चपेट में आकर अपना जीवन खो रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में डरावनी तस्वीर सामने आई है। निम्न और मध्यम आय वाले देशों में 5 साल से कम उम्र के 98% बच्चे प्रदूषण से प्रभावित हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में भारत में 5 साल से कम उम्र के 1 लाख से ज्यादा बच्चों की जहरीली हवा के प्रभाव में आने से मौत हुई है। मरने वाले बच्चों में लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा है। 2016 में 5 साल से कम उम्र के कुल 101,788 बच्चों की मौत बाहरी और घरेलू प्रदूषण और उससे जुड़ी बीमारियों की वजह से हो गई है। इनमें 54,893 लड़कियां और 46,895 लड़के थे। 5 साल से कम इन 1 लाख से ज्यादा बच्चों में से 60,987 बच्चों की जान बाहरी प्रदूषण तत्व पार्टिकुलेट मैटर यानी PM2.5 की वजह से हुई। इनमें से 32,889 लड़कियां और 28,097 लड़के हैं। उद्योग, मकान निर्माण, कार, ट्रक वायु प्रदूषण के कॉम्प्लेक्स मिश्रित उत्पन्न करते हैं और इसी से ही बाहरी प्रदूषण का निर्माण होता है। जहरीली हवा से 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत के मामले में भारत का आंकड़ा दुनिया में सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर नाइजीरिया है, जहां 47,674 बच्चों की मौत हो गई। वहीं पाकिस्तान में 21,136 बच्चे प्रदूषण का शिकार हुए। नई रिपोर्ट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, ये बहुत ही डरा देने वाली रिपोर्ट है, स्पेशली जो भारत के लिए कहा गया है। इससे जो निकल रहा है वो है कि हर साल जो बच्चे हैं जिनकी उम्र 5 साल से कम है, जो संख्या दी गई है कि कितने बच्चे की मौत हो रही है प्रीमेच्योरली, उससे ये पता चलता है कि लाखों से ज़्यादा। और इसका मतलब ये हुआ कि हर घंटा 12 बच्चे की मौत हो रही है जो 5 साल से कम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में कहा गया है कि खाना पकाने से घर के अंदर होने वाले वायु प्रदूषण और घर के बाहर के वायु प्रदूषण से भारत जैसे निम्न और मध्यम आय वर्ग के देशों में बच्चों के सेहत को भारी नुकसान पहुंचा है। WHO का कहना है कि प्रदूषित वायु के कारण लाखों बच्चों की जिंदगियों में जहर घुल रहा है। हर बच्चे को अधिकार है कि वो स्वच्छ हवा में सांस ले। एक तो ये छोटे बच्चे जो शिकार हो रहे हैं, सिर्फ प्रीमेच्योर डेथ ही नहीं, उसके साथ साथ जो बीमारियां हो रही हैं ये भी बहुत ही खतरनाक बीमारियां हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि जो इनकी जो ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है, लंग्स नसों की जो डेवलपमेंट है, इसके ऊपर बहुत ही बड़ा प्रभाव दिख रहा है। और उसके साथ साथ जिसको वो चाइल्डहुड कैंसर्स, ये भी बहुत अभी बढ़ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि जब गर्भवती महिला प्रदूषित वातावरण में रहती है तो उनमें समय से पूर्व शिशु को जन्म देने की प्रवृत्ति अधिक देखी गई है। ऐसे बच्चों का बाद में विकास प्रभावित होता है। वायु प्रदूषण से मानसिक विकास और ज्ञान क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। बचपन में ही अस्थमा और कैंसर की समस्या हो सकती है। वायु प्रदूषण का प्रभाव बच्चों पर व्यस्कों की तुलना में अधिक होता है। ग्रीन पीस की ओर से हाल ही में जारी रिपोर्ट में भी भारत के प्रदूषण स्तर की बहुत ही भयावह तस्वीर पेश की गई है। इसके मुताबिक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के विश्व के 3 सबसे बड़े हॉटस्पॉट भारत में है और इनमें से एक दिल्ली NCR में है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड PM2.5 का स्तर बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। ग्रीन पीस की रिपोर्ट में दिल्ली NCR, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, मध्य प्रदेश के सिंगरौली और ओडिशा के तालचेर अनुगुल को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के लिहाज से हॉटस्पॉट बताया गया है। इस साल 1 जून से 31 अगस्त तक सबसे ज्यादा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाला क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, भारत और चीन के वो क्षेत्र हैं जो कोयला आधारित
पावर प्लांट के लिए जाने जाते हैं। आज की तारीख में वायु प्रदूषण बच्चों के स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दुनिया की आधी आबादी को सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तक उपलब्ध नहीं है। 10 में से 9 लोग आज प्रदूषित हवा लेने को मजबूर हैं और इसके चलते हर साल करीब 70 लाख लोगों की मौत हो जाती है और कई गंभीर बीमारियों का ये कारण बनती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की हाल में आई प्रदूषण पर ग्लोबल रिपोर्ट में इसे काफ़ी गंभीर खतरा माना गया है। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इस रिपोर्ट के साथ, साथ ही आपको याद दिला दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम राज्यसभा टीवी के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, जहां आपके सुझावों का हमें रहता है इंतजार। नमस्कार। जीने के लिए सबसे जरूरी है सांस लेना और बिना हवा के ये मुमकिन नहीं है, लेकिन बढ़ते प्रदूषण ने जिस तरह से हवा को भी प्रदूषित किया है उससे किसी का भी बच पाना संभव नहीं है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। आज प्रदूषित हवा हमारे चारों तरफ मौजूद है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वायु प्रदूषण पर अपनी रिपोर्ट वायु प्रदूषण और बाल स्वास्थ्य में कहा है कि स्ट्रोक, फेफड़ों के कैंसर और हृदय रोग से होने वाली मौत का एक तिहाई वायु प्रदूषण से होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि प्रतिदिन 15 साल से कम उम्र के दुनिया के 93% बच्चे, जिनकी संख्या 1,80,00,000 के बराबर है, जहरीली हवा लेने को मजबूर हैं। इससे उनके स्वास्थ्य और विकास पर गंभीर असर पड़ता है, जिसके चलते लाखों बच्चों की मौत हो जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 में दुनिया भर में 6,00,000 बच्चों की मौत हवा में मौजूद अति सूक्ष्म कण यानी पार्टिकुलेट मैटर से पैदा हुए वायु प्रदूषण की वजह से हुई। रिपोर्ट में बताया गया कि खाना पकाने से घर के अंदर होने वाले वायु प्रदूषण और घर के बाहर के वायु प्रदूषण से दुनिया भर में भारत जैसे निम्न और मध्य आय वर्ग के देशों में बच्चों के स्वास्थ्य को भारी नुकसान पहुँचा है। एयर पोल्यूशन के काफी सारे हेल्थ इफेक्ट होते हैं और ये दो टाइप के होते हैं, ये क्रॉनिक होते हैं या फिर ये लॉन्ग टर्म होते हैं। तो अगर ये लॉन्ग टर्म की अगर आप बात करें तो बेस्ट मतलब रेस्पिरेटरी इलनेसेस से लेके स्किन डिजीजेस से लेके बहुत छोटे बच्चों में मेंटल डेवलपमेंट में भी ये बाधा पेश करती है एयर पोल्यूशन। डिपेंड करता है ये कौन सा एयर पोल्यूटेंट की बात कर रहे हैं। तो WHO रिपोर्ट में यही स्पेसिफाई किया गया था कि ये जो हम इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं इसका एविडेंस ऑलरेडी हमें मिल रहा है ऑन द ग्राउंड। केवल एक रिपोर्ट नहीं है, ऐसे काफ़ी रिपोर्टें हैं जो इंडिया में भी बनी हैं। 2013 में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक स्टडी आई थी जिसके फाइंडिंग्स ये थे कि दिल्ली के अंदर एक तिहाई बच्चों का लंग डेवलपमेंट स्टंट हो चुका है बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा किया है कि गर्भवती महिलाओं के लिए ये हवा और भी खतरनाक है। समय से पहले बच्चे का जन्म और नवजात बच्चों में कई सारी बीमारियों की वजह है ये प्रदूषित हवा। इसके चलते नवजात बच्चों में कार्डियोवैस्कुलर और अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा लगातार बना रहता है। WHO की रिपोर्ट में कहा गया है कि वायु प्रदूषण न्यूरो डेवलपमेंट को प्रभावित करता है, जिससे बच्चों के मस्तिष्क और स्वास्थ्य का विकास सही तरीके से नहीं हो पाता। विश्व स्तर पर दुनिया भर के 15 साल से कम उम्र के 98% बच्चे WHO वायु गुणवत्ता गाइडलाइंस के सामान्य स्तर से ऊपर के स्तर पर घर से बाहर PM 2.5 से प्रभावित हो रहे हैं। इसमें 5 साल की कम उम्र के 63 करोड़ बच्चे और 15 साल से कम उम्र के 1.8 अरब बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा दुनिया भर में निम्न और मध्य आय वर्ग के देशों में 5 साल से कम उम्र के 98% बच्चे WHO वायु गुणवत्ता गाइडलाइंस के सामान्य स्तर से ऊपर के स्तर पर PM 2.5 से प्रभावित हो रहे हैं, जबकि उच्च आय वर्ग के देशों में 5 साल से कम उम्र के 52% बच्चे WHO वायु गुणवत्ता गाइडलाइंस के सामान्य स्तर से ऊपर के स्तर पर PM 2.5 से प्रभावित हो रहे हैं।
रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया की कुल आबादी की 40% से ज्यादा, जिनमें 1 अरब 15 साल से कम उम्र के बच्चे शामिल हैं, खाना पकाने से घर के अंदर होने वाले वायु प्रदूषण और प्रदूषित ईंधन से पीड़ित हैं। इसके अलावा निम्न और मध्य आय वर्ग के देशों में 5 साल से कम उम्र के 50% बच्चों को सांस से संबंधित ज्यादातर गंभीर बीमारी घरों के अंदर होने वाले वायु प्रदूषण से होती है। रिपोर्ट में वायु प्रदूषण को बच्चों के स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा माना गया है। इसमें कहा गया है कि 5 साल से कम उम्र के 10 में से 1 बच्चे की मौत प्रदूषित हवा की वजह से हो रही है। देखिए, वायु प्रदूषण देखने जाए तो दुनिया में कुछ कुछ हॉटस्पॉट्स इमर्ज हो रहे हैं, बट मेजरली ये डेवलपिंग कंट्रीज में है। चाइना में ये बड़ा इशू हुआ करता था, अभी भी ये इशू है कुछ कुछ जगहों में, मगर जो मेजर शहर है चाइना के, जो शंघाई बीजिंग है, वहाँ पे बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल किया गया है ये पिछले 5-6 सालों में। जैसे कुछ कुछ अफ्रीका के देश हैं जहाँ पे मॉनिटरिंग नेटवर्क फिलहाल है नहीं, तो वो इस WHO के रिपोर्ट्स में आते नहीं है क्योंकि वहाँ पे मॉनिटरिंग ही नहीं होती। WHO ने इससे तुरंत निपटने की सलाह भी दी है। इसके लिए पेशेवरों को जागरूक बनाना, उन्हें शिक्षित करना, स्वास्थ्य पेशेवरों को संसाधन प्रदान करना और अंतर क्षेत्रीय नीति बनाने की बात पर जोर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।